हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो काफी दिनों के बाद हम वीडियो लेके आ गए हैं, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली आते ही हमारी दिवाली चालू हो जाती है। तो हम आपके लिए लेके आए हैं दिवाली का स्टैश, छोटा सा स्टैश लेके आए हैं, और आगे भी काफी बढ़िया बढ़िया और बहुत सारे क्रैकर्स का स्टैश लाने वाले हैं, टेस्टिंग भी लाएंगे। तो आज वाली वीडियो में आपको हम दिखाने वाले स्टैच कितने रुपए का है, वो वीडियो में आपको पता चल जाएगा, और कौन कौन से क्रैकर्स लेके आए वो भी आपको हम बता देंगे। तो काफी बढ़िया बढ़िया क्रैकर्स लेके आए। सबसे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने जितने भी क्रैकर्स हैं, ये सारे 8,000 रुपए की रेट में मैं लेके आया हूँ, और काफी बढ़िया बढ़िया यूनिक क्रैकर्स है। तो चलिए आपको मैं एक एक क्रैकर्स दिखाता हूँ और उसकी प्राइस बताता हूँ कितने रुपए का एक डब्बा पड़ा है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मुर्गा के ऑटोमेटिक रॉकेट से। ये काफी बढ़िया रॉकेट है, रॉकेट इस पे सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन ये 7 शॉट है। एक के अंदर पीस आते हैं पूरे 5, और ये एक 7 शॉट है, ऊपर जाके 7 बार फटेगा, मतलब कैसे कुछ तारे वगैरह निकलेंगे आसमान में। तो इसकी प्राइस हमें पड़ी है 150 रुपये। तो 2 डब्बे हमारे पास है, इसके 2 ही डब्बे लेके आया हूँ। उसके बाद में है बैडवेल के डिस्को बिल स्पिनर है, जो काफी बढ़िया है। तो खोल के देखते हैं पहले अंदर कैसी है। दिखने में तो काफी अलग ही लुक दिख रहा है इसका, डिस्को वाला ही लुक है। तो खोलते हैं इसको, पैकिंग भी काफी बढ़िया आई है। तो भाई आपको एक में 5 पीस आते हैं पूरे, और कुछ इस प्रकार की है, काफी बढ़िया डिजाइन है। आप देख सकते हो स्पिनर की डिजाइन है इसके ऊपर, और पीछे 2 क्रैकर्स लगे हुए हैं। तो देखते हैं इसको जलाने के बाद में पता चलेगा अपन को कैसी जलेगी। और इसका डब्बा हमें पड़ा है 80 रुपीज का, 5 पीस में आते हैं। 2 डब्बे हमारे पास है बैडविल कंपनी की। उसके बाद में हमारे पास है वनिता का माइट, जो काफी नया और काफी बढ़िया दिखने वाला क्रैकर्स आया है। तो चलिए मैं खोल के देखता हूँ क्या है अंदर, अभी तक मैंने भी नहीं देखा है आज तक। तो देखते हैं इसको खोल के क्या निकलता है। इसका डब्बा हमें पड़ा था 83 रुपीज का। ये इसमें 3 पीस निकलते हैं माइट के, छोटे छोटे 3 पीस है, काफी बढ़िया चटपट की तरह, और इसमें स्टैंड भी साथ में लगा हुआ है, देख सकते हो वनिता की ब्रांडिंग के साथ। तो काफी बढ़िया बनाता है यार वनिता क्रैकर्स, तो काफी बढ़िया। ये देखते हैं जलाने के बाद में पता चलेगा इनमें क्या होगा। तो दिखने में तो काफी बढ़िया ही है, आपको दिखाई दे रहा होगा, 83 रुपए का हमें पड़ा है। तो ऐसे हमारे पास है 5 डब्बे माइट के। उसके बाद में हमारे पास है वनिता कंपनी के नंबर 1 क्वालिटी के, गोल्डी लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं अंदर क्या निकलेगा। तो कुछ उस प्रकार के हैं, एकदम छोटे सा वैसा ही है, पीछे भी इसके भी स्टैंड छोटा सा लगा हुआ है, ऐसे रख सकते हैं। और ये है हमें पड़ा था 60 रुपए के 3, गोल्डी इस पे लिखा हुआ है। तो देखेंगे इनको भी कैसे जलेंगे ये, मुझे तो लग रहा है एक ही चीज होगी शायद, छोटी बड़ी का डिफरेंस है, नाम चेंज कर दिया से। तो उसके बाद में हमारे पास है ओलंपिक टॉर्च, जो है मुर्गा कंपनी की। तो निकालते हैं एक डब्बे को और देखते हैं अंदर कौन सी टॉर्च आती है। भाई केक कटिंग हो गई। तो एकदम पतला सा डब्बा के साथ एक टॉर्च आती है, सायरन टॉर्च होगी शायद ये, है ना। तो भाई काफी पतली और काफी बढ़िया डिजाइन के साथ, और काफी लंबी है, आप देख सकते हो मुर्गा की वार्निंग और लिखा है, इस पर लिखा है ओलंपिक टॉर्च, वार्निंग इसमें दी हुई भी है, और काफी बड़ा साइज है, और इसमें मेरे हिसाब से शायद इसमें साइरन बजेगी, है ना, यहाँ शायद, वो तो जलाने के बाद में अपन को पता चल जाएगा। तो काफी बढ़िया है, इसका डब्बा हमें पड़ा था 120 रुपए का एक डब्बा। ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं, तो इनकी भी टेस्टिंग आने वाली है। तो उसके बाद में हमारे पास है मैजिक पॉप, जो आता है ग्रीन क्रैकर्स की ब्रांडिंग के साथ, और जितने भी क्रैकर्स है सारे ग्रीन क्रैकर्स है, ऐसा नहीं है लोकल क्रैकर्स है, 3-in-1 लिखा हुआ है, और 2 रोज कंपनी का है ये। तो खोलते हैं इसको, देखते हैं अंदर क्या होगा, कुछ है क्या टेप वगैरह। भाई वेट तो काफी है, भाई 3 पीस अंदर आए हैं, इतना बड़ा अनार सिल्वर पॉप लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये अनार ही है शायद, मेरे इस पे लिखा हुआ छपा हुआ अनार है। तो काफी बड़ा साइज और काफी यूनिक क्रैकर है ये भी मैजिक पॉप। तो इसको भी जला के देखेंगे, एक डब्बे में 3 पीस आते हैं, और ये एक डब्बा हमें पड़ा था 280 रुपए का। तो काफी महंगा और काफी बड़ा साइज है इसका अनार का। उसके बाद में हमारे पास है सनशाइन की सायरन, तो इस पे ओरिजिनल ब्रांडिंग लिखी हुई है, बाय सनशाइन लिखा हुआ है, सनशाइन की है सायरन। तो 2 पीस अंदर आते हैं, स्टैंड इसमें साथ आए, ये है शायद अनार वाली सायरन है ना, अनार वाली सायरन है ये, इसमें अनार भी निकलेगा सायरन भी जलेगी। तो एक डब्बा हमें पड़ा था 80 रुपए का, इसमें 2 पीस आते हैं, काफी बड़ा है। ऐसे हमारे पास 2 डब्बे हैं। तो उसके बाद में हमारे पास है माइटी बॉम्ब, जो काफी बढ़िया डिजाइन के साथ आता है, जो काफी ऐसे मूवीज में दिखाते हैं जो कार्टून वगैरह में, वैसा उसके ऊपर छपा हुआ है। तो खोलते हैं देखते हैं अंदर, अंदर आप देख सकते हो ये है हाइड्रो बॉम्ब,
जो बड़े वाले आते हैं सूतली बम, काफ़ी बढ़िया है, नाजी भी कहते हैं इनको, और काफ़ी बड़ा साइज है। तो इनकी भी टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा इनका धमाका कैसे होगा। ये एक डब्बा हमें पड़ा था 160 रुपए का, काफ़ी बढ़िया MRP इसका 400 रुपए है, काफ़ी बढ़िया पटाखा आता है, आपको पता ही है ये। उसके बाद में हमारे पास है मैजिक पाइप, जो है स्टैंडर्ड की फायरवर्क्स। स्टैंडर्ड कंपनी काफ़ी बढ़िया आती है और काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्रैकर्स यहाँ बनाती है, आपको पता ही है। तो खोल के देखते हैं कैसी है ये। और ये माइटी बॉम्ब का हमारे पास एक ही डब्बा है, और ये इसके डब्बे हमारे पास है मैजिक वाइप के 6 डब्बे ऐसे, और एक डब्बा हमें पड़ा था 60 रुपए का। तो खोलते हैं देखते हैं कितने पीस आते हैं अंदर एक के। भाई क्या हो गया, बहुत बढ़िया पैकिंग के साथ आते हैं यार ये, तो कुछ अंदर निकलेगा, देखते हैं क्या निकलता है। तो कुछ पाइप सा अंदर निकला है, और इसमें छोटी छोटी गोलियां लगी हुई आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रही हो तो, साथ में फ्यूज है। तो टेस्टिंग करने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा इसके अंदर। काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है मुझे तो, यूनिक यूनिक क्रैकर्स है सारे। एक डब्बा हमें 40 रुपए का पड़ा था, ऐसे हमारे पास 6 डब्बे हैं। उसके बाद में सबसे बढ़िया चीज़ आपको दिखाता हूँ, वनिता की गोल्डन डक। तो ये है सबसे महंगी चीज़ है, ये 550 का एक है, MRP इसके ऊपर 1500 लिखी हुई है। और ये एक अनार है, एक बार में एक बार ही जलेगा, काफ़ी बड़ा साइज का अनार है। तो जलाने के बाद में पता चलेगा कि कैसा जलेगा, काफ़ी बढ़िया रोशनी कर देगा ये गली में। तो इसकी भी टेस्टिंग करने वाले आगे आने वाली वीडियोस में। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो कर दीजिए सबसे पहले लाइक। उसके बाद में हमारे पास है मरकरी की पिकॉक डांस शो, जो काफ़ी बढ़िया आती है। खोलते हैं सबसे पहले इसको, और इसमें दुकान वाले ने मेरे को बताया था कि मोर की तरह पंख फैलेंगे लाइटिंग के साथ। निकालते हैं देखते हैं क्या है। तो कुछ इस प्रकार का निकला है मरकरी की ब्रांडिंग के साथ, और ये रहा इसका फ्यूज, और पूरी चारों तरफ से ये जलेगा। सेम आपको लगेगा रात को नाइट में कि मोर ने अपने पंख फैलाए हैं। और ये एक हमें पड़ा था 160 रुपए का, और MRP इस पे होगी शायद 1000 रुपए MRP है, 1000। तो काफ़ी बढ़िया है ये, 160 रुपए का हमें पड़ा था। 2 डब्बे हमारे पास इसके हैं, इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोस में। तो उसके बाद में हमारे पास है ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट, स्मॉल इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो बोलते हैं एक डब्बा हमें पड़ा था 20 रुपए का, ऐसे हमारे पास 5 है पूरे। तो काफ़ी छोटे छोटे अनार हैं बच्चों के लिए, इनकी भी टेस्टिंग करेंगे मुझे तो ठीक ठाक जलेंगे, पता नहीं कैसे जलेंगे, देखने के चलाने के बाद ही पता चलेगा कैसे जलेंगे। ऐसे हमारे पास है 5 डब्बे, एक है 20 रुपए का। उसके बाद मैं आपको बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, ये है मोरी कंपनी की मैजिक पॉप्स लिखा हुआ है, फाउंटेन इस पर लिखा हुआ है तो अनार ही, और लेकिन इनका जो डिज़ाइन और लुक है जो काफ़ी बढ़िया है। इनमें फ्यूज़ ऊपर ही है, मतलब फ्यूज़ तो नहीं है, फुलझड़ी से जलेगी ये सीधी, और काफ़ी बड़ा और काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आता है। एक डब्बा हमें पड़ा था 80 रुपीज़ का, एक डब्बे में आते हैं 5 पीस, मोरी कंपनी के हैं मैजिक पॉप्स, तो देखेंगे जलाने के बाद ये कैसे जलेंगे। उसके बाद में हमारे पास है मरकरी के एयरटेल, जो काफ़ी बढ़िया स्क्रैच शॉट आते हैं, आपने पहले भी देखे होंगे, तो खोल के दिखा देता हूँ आपको कैसे आते हैं ये। पैकिंग काफ़ी बढ़िया आती है, मरकरी कंपनी भी काफ़ी बढ़िया और अच्छी पैकिंग के साथ क्रैकर्स बनाती है, अच्छे क्रैकर्स आते हैं मरकरी के भी। आपने कभी जलाए होंगे तो आपको पता होगा, नहीं जलाए तो हमारी वीडियोस को देख लीजिए, और भी दिखा देंगे आपको मरकरी के जो भी नए क्रैकर्स आएंगे, आने वाले हैं आगे जल्दी ही। बहुत बढ़िया पैकिंग है यार इसकी, तो क्या हो गया इसकी, काफ़ी शानदार पैकिंग के साथ आते हैं। एक में 10 पीस आते हैं, और ये एक हमें पड़ा था 140 रुपये का। तो आप देख सकते हो किस प्रकार से आते हैं अंदर से, काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन के साथ आते हैं मरकरी का एयर जेल, और काफ़ी बड़ा साइज है। इनकी भी टेस्टिंग करने वाले आने वाली वीडियोस में, और पांचों अलग अलग कलर है, हर एक कलर के 2 पीस है, येलो, पर्पल, ग्रीन, और यह है स्लेटी, और यह है रेड कलर। तो 5 पीस आते हैं, 140 रुपए का एक डब्बा पड़ा था, ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं। फिर है हमारे पास, दिखाता हूँ मैं आपको, रेडविल के बिजली, जो छोटे छोटे बिजली बम आते हैं, लड़ी बम वैसे हैं, दिखाने की जरूरत नहीं है खोलने की, छोटे छोटे बिजली बम है, ऐसे हमारे पास 10 पीस है, 10 पैकेट, और ये एक पैकेट हमें पड़ा था 25 रुपए का। फिर है हमारे पास मरकरी की लाइट, ये भी मरकरी कंपनी की है, लाइट आपको
दिखा देता हूँ कैसी लाइट है। एक में 6 पीस आते हैं, इसमें लिखा हुआ है ऊपर डब्बे के ऊपर, और ये एक डब्बा हमें 40 रुपए का पड़ा था। कुछ छोटे छोटे इस प्रकार के पीस आते हैं, कैंडी टाइप के पीस है, आप देख सकते हो फ्यूज इनके ऊपर लगा हुआ है। तो एक डब्बा 40 रुपए का है, हमारे पास ऐसे 5 डब्बे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये टीम इंडिया, इसके ऊपर लिखा हुआ है, और ये है बड़ी वाली लड़ी, खोलने की जरूरत नहीं होगी। इनका साइज आप ऐसे देख सकते हो, ये एक हमें पूरी पड़ी थी 150 रुपए की, 5 पीस इसके अंदर आते हैं, और एक लड़ी पूरी है, एक साथ ही जलेगी, एक एक पटाखा नहीं जलेगा, काफ़ी बड़ा साइज है। इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं, टीम इंडिया इस पे लिखा हुआ है। उसके बाद में गंगा जमुना, ये आप देख सकते हो, गंगा जमुना भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि गंगा जमुना आपने सबने चलाई होगी और देखी होगी। ये है एक डब्बा 45 रुपए का हमें पड़ा था, ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं। बस अनिल बॉम है, वो भी आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अनिल आइटम बॉम लिखा हुआ है, काफ़ी बढ़िया आते हैं ये, और ओरिजिनल बॉम है अनिल के, ये भी हमें 45 रुपए का पड़ा था, ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं। उसके बाद में है बटरफ्लाई, दिखा देता हूँ मैं आपको, मर्करी की कलर चेंजिंग बटरफ्लाई, ये आपने नहीं देखी होगी तो दिखा देता हूँ, ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं, और ये एक डब्बा हमें पड़ा था 80 रुपीज़ का। तो कुछ इस प्रकार के बटरफ्लाई आते हैं, आप देख सकते हो, मतलब ये जलती है, कलर चेंज होते हैं और डांस करती है बटरफ्लाई। इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं वीडियोस में, इसलिए चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं, एक डब्बा 60 रुपीज़ का हमें पड़ा है। फिर है हमारे पास बैडविल की चिटपिट लिखा हुआ है, और ये एक डब्बा हमें पड़ा था 35 रुपीज़ का, पूरा है हमारे पास 5 डब्बे, आपको दिखाता हूँ खोल के कैसे आते हैं ये चिटपिट। कुछ इस प्रकार के चिटपिट हैं, छोटे छोटे साइज के, बुलेट का साइज है एकदम, और काफ़ी बढ़िया जलने वाले हैं, क्योंकि बैडविल भी कंपनी भी काफ़ी बढ़िया क्रैकर्स बनाती हैं। और एक डब्बा हमें पड़ा था 35 रुपए का, तो ऐसे हमारे पास 5 डब्बे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये अनिता का ही है हीरो बिन, जो काफ़ी बढ़िया ब्रांडिंग के साथ आता है और काफ़ी बढ़िया लुक है। तो खोलते हैं इसमें क्या निकलेगा, देखते हैं, मुझे लगता है फ्लावर पॉट ही है ये भी, और खोलते हैं तो दो इसके अंदर फ्लावर पॉट निकलते हैं। ये एक डब्बा हमें पड़ा था 60 रुपीज़ का, इसके अंदर दो ही फ्लावर पॉट आते हैं, क्योंकि वनीता क्रैकर्स महंगे आते हैं लेकिन इनकी क्वालिटी आती है वो बहुत बढ़िया आती है, वनीता की, कॉक की, और ये स्टैंडर्ड की काफ़ी बढ़िया क्वालिटी आती है। और ये एक डब्बा हमें 80 रुपीज़ का पड़ा था, एक में दो पीस आते हैं, तो इनकी भी टेस्टिंग करने वाले हैं। ऐसे हमारे पास दो डब्बे हैं। फिर है हमारे पास, आपको दिखाता हूँ कि ये है गोल्ड, इस पे लिखा हुआ है, ये है भीम पावा, इसमें भीम के जैसे लक्ष्मी बॉम आते थे वैसे क्रैकर थे पड़े, एक बंडल पूरा है, एक बंडल ये हमें पड़ा था 80 रुपये इसका। और उसके बाद में आपको दिखाता हूँ, ये है तोता का, वैसा ही बड़ा वाला, तोता का बड़ा वाला एकदम, देख सकते हो आप, तोता इसमें ऊपर छपा हुआ है, तोता की ब्रांडिंग है, और उससे बड़ा साइज है ये एकदम, एक 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 में 5 पीस आते हैं, ये हमें पड़ा था 180 रुपये का, और ऐसे 5-5 पीस वाले 10 है इसके अंदर, तो काफ़ी बड़ा साइज है और काफ़ी बढ़िया क्रैकर्स आते हैं। उसके बाद में यही है एक कुरुबी का, ऐसे कुरुबी क्रैकर्स लिखा हुआ है इसके ऊपर, और उस वैसे छोटे छोटे पीस है, इसमें भी एक में 5 आते हैं, और ये ऐसे हमारे पास ये शायद 20-20 के होंगे, ऐसे दो है हमारे पास, ये हमें पड़ा था 80 रुपीज़ का एक। फिर है हमारे पास, उधर जाना पड़ेगा, ये है मर्क वनीता की जैली, तो ये भी खोल के दिखाता हूँ वनीता की जैली कैसी है, काफ़ी बढ़िया आते हैं यार वनीता क्रैकर्स, तो कुछ इस प्रकार के हैं। ऐसे ऐसे इसमें कितने डब्बे हैं, 3-3-6 डब्बे आते हैं एक के अंदर, एक हमें पड़ा था 220 रुपये का, और खोल के दिखाता हूँ के अंदर क्या निकलेगा, देखते हैं, जैली इस पर लिखा हुआ है, तो कुछ इस प्रकार के निकले हैं, आप देख सकते हो, चिटपिट टाइप की है शायद जैली, क्या पता नहीं कैसे होगी, कुछ बटरफ्लाई होगी या कुछ चिटपिट होगी, देखेंगे जलाने के बाद, काफ़ी बढ़िया है। एक 220 रुपए के पड़ा था एक डब्बा ये हमें, और इसमें 6 डब्बे आते हैं ऐसे। फिर है हमारे पास वनीता के फ्लावर कॉर्न, जो काफ़ी बढ़िया आते हैं, ये है फ्लावर पॉट, इसको खोलते हैं, ये सबसे महंगा फ्लावर पॉट है यार, क्योंकि बढ़िया क्वालिटी है इनकी वनीता के, दिखाता हूँ आपको निकाल के ही बाहर, पैकिंग काफ़ी बढ़िया आती है यार वनीता की, ये तो माननी पड़ेगी, ये देखो, और साइज भी काफ़ी बड़ा है, ये 200 रुपये का पूरा हमें मिला था, इसमें 10 पीस आते हैं पूरे फ्लावर पॉट के, देखो कितना बढ़िया है ये कलर,
और जलाने के बाद ही पता चलेगा कलरफुल होगा या ऐसे नॉर्मल वाला होगा ये। तो काफ़ी बढ़िया साइज है और काफ़ी बढ़िया है दिखने में भी। एक ही डब्बा इसका हमारे पास। फिर है हमारे पास ये अनिल का एम्प्रॉल्ड। आप देख सकते हो कुछ छोटा सा डब्बा है, इसके अंदर क्या होगा पता नहीं, देखना होगा। ये एक डब्बा हमें पड़ा था 60 रुपीज का। अनिल भी काफ़ी बढ़िया क्रैकर बनाते हैं, जो अनिल का आइटम बॉम आता है ये अनिल बॉम। तो खोलते हैं देखते हैं क्या आता है अंदर। तो छोटे छोटे फ्लावर पॉट है, एकदम छोटे छोटे, एकदम छोटे। कितना सा साइज़ आपको दिखाता हूँ मैं, मतलब एक उंगली वाला भी साइज़ नहीं है, इतना सा साइज़ है अनिल का। तो अनिल की है ये छोटे छोटे फ्लावर पॉट, एक में 10 पीस आते हैं। एक डब्बा हमें पड़ा था 40 रुपये का। तो जलाने के बाद पता चलेगा फ्लावर पॉट कैसे जलेंगे। इन सारे क्रैकर की टेस्टिंग देखने के लिए चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्रैकर है और काफ़ी यूनिक यूनिक क्रैकर है। और भी क्रैकर्स आने वाले दिवाली पे, और बहुत सारे टेस्ट लाएंगे, बहुत सारी क्रैकर टेस्टिंग लाएंगे। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो कर दीजिए लाइक। तो चलिए मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।